मैरिज हॉल संचालक की मनमानी, मंदिर के पुजारी ने की पुलिस से शिकायत। देखिए जालौन से अमित यादव की रिपोर्ट। नगर में दर्जनों मैरिज हाउस के संचालक शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे मैरिज हाउस के संचालकों की मनमानी जारी है। मामला जनपद जालौन के कालपी का है, जहां बस्ती के बीचों बीच मैरिज हॉल बना हुआ है। मैरिज हॉल से चंद कदमों की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय है और एक मंदिर भी स्थित है। शादियों का दौर चल रहा है, शादी में आने वाले कुछ लोग बियर एवं अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जो कि मंदिर प्रांगण एवं प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में बियर की खारी बोतलें फेंककर प्राथमिक विद्यालय की दीवारों पर पेशाब करना जैसी हरकतें हो रही हैं। इन हरकतों से तंग आकर मंदिर के पुजारी ने कोतवाली कालपी में तहरीर देते हुए बताया कि यहां पर मोहल्ले वासियों एवं पूजा करने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए यहां से मैरिज हॉल हटाया जाना चाहिए। थाना अध्यक्ष मानिक चंद्र पटेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जांच कर सत्यता पाए जाने पर मैरिज हॉल के संचालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये यहां पे ये सामने बना हुआ है रॉयल गार्डन, ये रॉयल गार्डन आप देख रहे हैं सामने, ये एक मैरिज हॉल है, इसमें शादियां और यहां पे जो है फंक्शन अटेंड किए जाते हैं, और इसकी जब भी कोई चीज़ यहाँ पर फंक्शन और वगैरह कुछ होते हैं तो यहाँ पे गाड़ियाँ, यहाँ पे लोगों का आना जाना, यहाँ पे इकट्ठा होना भर एक लाजमी है। यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं और रात में यहाँ पे प्रोग्राम में, यहाँ पे ये कॉलेज बना हुआ है, इधर पे सिगरेट गुटखा शराब, ये देखिए बियर की बोतल पड़ी हुई है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बियर की बोतल पड़ी हुई है और यहाँ पे इतनी बाथरूम पड़ी हुई है, सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है। ये इसकी समस्याएं इतनी अधिक हैंगी कि यहाँ जो है दारू पीते हैं, पेशाब करते हैं मंदिर के दरवाजे पर, और यहीं गाड़ी खड़ी करते हैं, मना करते हैं, तैयार हो जाते हैं। इसके लिए आपने किसी से शिकायत की है शासन से? 50 बार कहा है रॉयल गार्डन के मालिक से। क्या कहते हैं यहाँ पे मालिक? क्या तुम्हारी जगह है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ। तो इसके लिए आपने शिकायत जो की है उस पर कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? नहीं की, कुछ नहीं हुआ। आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे? यहाँ इसको बंद कराया जाए। टीचर हैं आप यहाँ पे? अभी यहाँ पे इतनी गंदगी दिख रही है आपके स्कूल में, आपके प्रांगण में, इसका क्या कारण है? यहाँ पे शराब की बोतलें और ये सब पड़ी हुई हैं बाहर गंदगी, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर हम कह तो चुके हैं उनसे कई बार के भी यहाँ ना इतना करवाया करो। तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं हम सफाई करा देंगे और यही सब कहते हैं। रॉयल गार्डन वाले सेठ जी को बुला कई बार कहा, हमने कहा जब तक तो बाउंड्री नहीं है और आप यहाँ अपने कर्मचारियों से कहाँ करोगे, यहाँ आप गंदगी ना फैलाएं, विद्यालय है और हम यहाँ एक अकेली महिला टीचर है, तो ये गंदगी जब ही होती जब यहाँ शादी हो। वैसे हम तो अपना सफाई कर्मी लगा है, वही जानता है। मैं यहाँ का सभासद हूँ, मोहल्ला रामगंज। ये यहाँ पर इतनी गंदगी स्कूल, आपके स्कूल में आपकी हद आती है ना यहाँ? ये स्कूल आपकी हद में आता है? हाँ जी, ये हमारे हद पे आता है। इतनी गंदगी पड़ी हुई है और आप लोगों ने इसकी शिकायत अभी तक शासन प्रशासन से नहीं की, क्या बात है? अभी मैंने कई बार इनको, रॉयल गार्डन के जो मालिक हैं रमेश गुप्ता जी, मैंने इनको कई बार मना किया कि यहाँ पे स्कूल पढ़ता है और श्री रामचंद्र जी का मंदिर पढ़ता है, तो हमने इनसे मना किया कि यहाँ पे क्वार्टर और शराब की बोतलें, बियर, कई चीज़ें यहाँ पर रखी जाती हैं मंदिर में। लोग आके यहाँ पे बराती लोग आते हैं मंदिर में धर के पीते हैं। यहाँ पे ये स्कूल बना हुआ है, यहाँ पे स्कूल पे बियर जो पड़ी हुई है यहाँ पे आते हैं, बाथरूम करते हैं, शराब पीते हैं, लेटिन भी कर जाते हैं कभी कभी हैं। लेकिन यहाँ पर जो रमेश गुप्ता जी हैं, जो रॉयल गार्डन के मालिक हैं, इनसे कई बार कहा तो ये लड़ने पर उतारू होते हैं, और मोहल्ले के लोग जो गरीब लोग रहते हैं उनसे भी ये हड़काते रहते हैं। और मैं यहाँ का सभासद हूँ, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए प्रशासन से कि ये रॉयल गार्डन बंद हो जाए, जो बच्चों को शिक्षा मिले और पूजा करने वालों को पूजा मिले, क्योंकि यहाँ पे आए दिन कहीं शराब की बोतलें और बियर यहाँ पे दरी मिलती हैं और यहाँ पे बारूद भी चलती है और रात में 12 बजे तक डीजे भी चलता है।